वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आने वाले सामने बेल आइकन पर दोबारा से क्लिक कीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक अलग तरह की अनबॉक्सिंग या रिपेयरिंग कह लीजिए या एक तरह का मतलब जो मैंने मेरा जो कूलर है ये आप जो देख रहे हैं इसको आप देख रहे हैं कि ये कूलर अब कूलर नहीं रह गया और सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो क्या चीज़ थी जो मैंने इसको खोल दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो मोटर थी, जो ये मोटर चलती है और ये जो पंखा जो चलता है ये बहुत ही जाम चलता था और आवाज़ करता था। मतलब थोड़ा देर चलता था सही और थोड़ी देर बाद आवाज़ करता था, मतलब थोड़ा थोड़ा घिर घिर की आवाज़ करता था और वो आवाज़ काफ़ी बढ़ जाती थी। यानी जो कूलर जब पानी चलता रहता है, कूलर में जब पानी गिरता रहता है और पंखा जो चलता है उस आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ हो जाती थी। तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगता था कि मतलब कहीं मोटर फूक ना जाए या अंदर की वायरिंग जल ना जाए। इस वजह से मैंने इसको रिपेयरिंग करवाया। रिपेयरिंग करने के लिए या तो मुझे कूलर को पूरा उठा के ले जाना पड़ता या ये जो पार्ट है मोटर जो है इस पंखे से अलग हो के केवल इसको ले जाना पड़ता। तो आपको पता ही होगा कि कूलर जब एक साल चल जाता है, एक सीजन चल जाता है, तो उसके अंदर जो नॉर्मल जो जितना भी लोहा होता है पानी के अंदर, और तो उस पर पानी पड़ता है या नहीं पड़ता डायरेक्ट, लेकिन पानी की भाप पड़ती है या पानी की छींटे पड़ती है, तो उसकी वजह से जितने भी नट बोल्ट है वो इतने हैवी टाइट हो जाते हैं, जंग लग जाती है बहुत ही हैवी कि वो खोलते नहीं आसानी से। तो इसको मैंने संडे के दिन खोला था। मतलब करीब करीब मुझे 1 से 2 घंटे लग गए थे खोला था। और मैंने एक हथौड़े और क्या कहते हैं जो छिन्नी होती है या ये कह लीजिए इस तरह से हथौड़ा मार मार के सारे ही नट बोल्ट को खोला था। तो जब भी इस तरह का जब आप रिपेयरिंग में जाएं और नट बोल्ट खोलें तो आपको हमेशा वो नट चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये 8 नट चेंज कर दिए हैं और ये नए ले लिए हैं। इसमें लगा हुआ है, इसी को लगाना है, तो मैंने पुराने नट यूज नहीं किया क्योंकि ऐसा होगा कि जब ये 5-6 महीने चल जाएगा तो वो जो नट इतनी मुश्किल से खुले थे वो और ज़्यादा जंग लग के और बेकार हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो 2-3 घंटे बाद भी नहीं खुलेंगे और हथौड़ा इसको इस पर अगर हथौड़ा मारा जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर दे। और जब भी रिपेयरिंग का मौका मिलता है तो आपको एक चीज़ कर लेनी चाहिए कि जितनी भी अंदर लोहे का मटेरियल होता है, जैसे ये जितना भी लोहे का मटेरियल होता है इसको पूरी तरह से एक तरह से आप रेगमार आता है एक, मतलब जो अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो रेगमार आता है, उससे घिस लीजिए और उसके बाद इसे पेंट कर दीजिए। तो इसकी क्या है कि जो कूलर की लाइफ है वो बहुत बढ़ जाएगी। और नहीं तो ये ऐसे घिसते घिसते फिर ये चीज़ें मिलती नहीं है, ये चीज़ें या कोई चीज़ है या ये है, ये धीरे धीरे ऊपर से घिस जाएगा ऊपर से इसका कवर। तो आपको नया लेना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कोई चीज़ कई बार कूलर के कई पार्ट्स मिलते नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप पेंट कर देंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। और अब मौका मिला है, मैंने इसे खोला है और इसके बाद इसको पूरी तरह से खोल दिया है और सबसे ज़्यादा मैंने इसकी थोड़ी सफाई की है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी कुछ सफाई की है। वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर मैंने क्या क्या किया है। तो आप देख लीजिए खुद ही, कूलर पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख लीजिए पानी की पाइप अलग पड़ी है, मोटर अलग पड़ी है, सारी चीज़ें। तो अब मैं मुद्दे पे आ जाते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों अब मैं इसे असेंबल करने जा रहा हूँ, इसको असेंबल करके फुल पूरी तरह से करके उसके बाद चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो मैंने मतलब असेंबल तो मैं बिना वीडियो बनाए हुए कर लेता, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक है इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैं दिखा दूँ, क्योंकि ये भी चीज़ काफ़ी जनों के काम आ जाती हैं कि सबसे पहले जो ये जंग लगता है ना जो बोल्ट, मैं आपको बता दूँ एक काम की चीज़, जो जंग लगता है बोल्ट उस पर क्या करना चाहिए। अगर उस पर बहुत जंग लगी हुई है तो आप उसे खोलने की तुरंत कोशिश ना करें, आपको उसके ऊपर या तो पेट्रोल डाल देना चाहिए। हर 1-2 घंटे पे आप हर आधे घंटे पे पेट्रोल डाल दीजिए उस पर, क्योंकि पेट्रोल बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और नट बोल्ट के अंदर तक पहुँच जाता है। दूसरी चीज़ है मिट्टी का तेल,
तीसरी चीज़ है, अगर मोबिल ऑयल जला हुआ मिल जाए वो चीज़ डाल दीजिए और उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, एक दो घंटे आधे घंटे छोड़ दीजिए, तो वो क्या होगा कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी होगा वो अंदर तक चला जाएगा और थोड़ा सा लूज हो जाएगा वो, मतलब जो पूरी तरह से जंग लग के वो बंधा होगा थोड़ा सा वो ढीला हो जाएगा, तो आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा। नॉर्मल ऐसे नट बोल्ट से या इसका इस्तेमाल करके जल्दी से खुलते नहीं है, क्योंकि आप जितना घुमाएंगे तो नट के जो ये वाले पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये फ्री होने लगते हैं धीरे धीरे, ये घिस जाते हैं तो गोल हो जाते हैं तो ये खुलते नहीं हैं। तो आपको छन्नी इस पर रख के हल्का सा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपने ऐसे रखा और कोई ऐसे छन्नी की ले ली और हल्का सा जिधर जिधर खोलने के लिए घुमाते हैं उधर ऐसे करके, ऐसे करके आपको हथौड़े से मारना है। धीरे धीरे करेंगे तो खुल जाएगा, जल्दीबाजी दिखाएंगे तो भैया नहीं खुलेगा ये, फिर आप जिस तरीके यहाँ ले जाएंगे तो वो इसमें हथौड़े बजाएगा और तब उसके बाद खुलेगा। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पूरी तरह से असेंबल करूँगा, मतलब एक तरह से पूरा ही जब नया असेंबल होता है उसी तरह से होगा, तो ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ और आप देख लीजिए सारी चीज़ मैं किस तरह से करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ से आपको पूरा दिखता रहेगा। इस पे क्या करेंगे बाद में कर देंगे ना इसे पेंट। हाँ, अभी दस मिनट ये इसमें एक छेद होता है, यहाँ से जब पाइप चली जाएगी उसके बाद उसे बोल्ट लगा देंगे।